मेटीज, दिस इज काजल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो है आई शेडो पैलेट के ऊपर, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास थ्री टाइप्स के टोटल आई शेडो पैलेट्स हैं, और दे बोथ, एक न्यूड है, और आप अगर आपके पास मतलब आप भी एक मेकअप आर्टिस्ट हो या इन जनरली आपको भी मेकअप लवर हो और मेकअप करना पसंद है, और आप सोच रहे होगे कि हम किस टाइप के पैलेट के ऊपर इन्वेस्ट करें कि मतलब एक में ही सारे कलर्स हो, अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली ढूंढ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तब आप इस टाइप के पैलेट्स बिल्कुल अवॉइड करना, जो एक ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब आपको ऐसे आई शेडो अलग अलग कलर्स का ट्राई करना है, और आप बिगनर्स हो और आपको इनोवेटिव कलर्स कुछ चाहिए ऐसा अलग अलग मिक्स मैच करके कुछ नया लुक क्रिएट करने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वन ऑफ द बेस्ट पैलेट इज़ डी लैंसी का। मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, मुझे ऑलमोस्ट ये 1300 में पड़ा था, अभी मे भी कुछ कम हुआ रहेगा अमाउंट। और ये देखो कुछ ऐसा इसका है बॉक्स, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी, इस तरह के पॉपअप में रैप था, एंड उसके बाद अमेज़ोन की भी रैपिंग थी ताकि आपका जो भी ये पैलेट है ये कहीं से भी डैमेज ना हो। ओके, और ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल उससे भी बेटर आया है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट आई शेडो पैलेट जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड है। हाँ, तो आप देखो इसमें लॉट्स ऑफ कलर शेड्स हैं, टोटल मैं बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 × 9 शायद 54 कलर शेड्स हैं। ओके, तो ये टोटल इतने कलर शेड्स हैं, और आपको ये भी बताती हूँ कि इसमें कितने मैट पे हैं, और एक सेकेंड, हाँ 1 2 3, हाँ एक सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि इसमें कितने कलर मैट हैं और कितने शिमर वाले बेस्ड कलर्स हैं और कितने सैटिन बेस्ड कलर्स हैं। ओके, तो देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है ये पिंक है, सैटिन पिंक है, सैटिन में क्या बोल रही हूँ, फोकस फोकस नहीं आ रहा, वेट मैं आपको दो तीन कलर दिखाती हूँ जो सैटिन बेस्ड है, नहीं तो शिमर है। ठीक है, सैटिन किसको बोल रही हूँ मैं, आप ये देखो, ये मतलब बहुत ही सटल सा कलर दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकी भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकी नहीं है, ठीक है, आई होप कि आपको मैं अच्छे से दिखा पा रही हूँ। और ये देखो, बहुत ये वाले जो कलर है ना थोड़ा लेवेंडर शेड है, बहुत ज़्यादा क्लासी और रिच कलर लग रहा है मुझे। ये एक शेड मैंने आपको दिखाया था अभी, ये जो लेवेंडर शेड है, तो कलर्स आप देख सकते हो। और ये भी एक सैटन बेस्ड कलर है, ये वाला दिस वन, एंड ग्रीन में भी ये भी सैटन बेस्ड है। तो जो सैटन बेस्ड कलर होते हैं ना वो कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा चंकी नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये यहाँ पे आप देखो जो जनरली आप ग्लू के थ्रू आप इसका, आई विल शो यू लाइक दिस, ये जो नहीं इसे करते हैं केवल आप ऐसे अच्छा सा, अगर आप कहीं डिस्क विस्क जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो आप अच्छा सा मस्त हुडेड आईलाइनर या मतलब ऐसे कुछ अच्छा सा आईलाइनर लगा लो विंग्स वाले, देन ये देखो आप ऐसे यहाँ पर रख लो, और आप इसके लिए आपको ग्लू का भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी है, ठीक है, मैं अभी ज़्यादा ऐसे दिखा नहीं रही हूँ, नहीं हो रहा है, फोकस क्यों नहीं आ रहा, इश फोकस ही नहीं आ रहा यार इस पे,
खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये दिखा रही थी। ये ऐसे अभी थोड़ा ट्रेंडिंग है ये, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, अच्छा सा मेकअप लुक लो, क्रिएट करो, आईलाइनर अच्छे से लगाओ, विंग्स वाले, एंड देन आप ये साइड में ऐसे पूरा ऐसे लगा के भी चले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट और डिसेंट दिखोगे। मैंने भी अभी तक ये ट्राई नहीं किया था, बट मैंने सोचा है कि अभी मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, फिर मैं ये लुक ट्राई करूँगी। ओके, और अब इसमें क्या, आपको मैं एक अच्छी बात ये बताने वाली हूँ कि इसमें देखो आप तीन चार ऐसे कलर्स दिए हुए हैं, मतलब एक दिस वन, ये थोड़ा स्काई कलर पे है बट कैमरे में उतना नहीं क्लियर हो रहा है। एंड ये डायमंड पे है। ओफो, सारी प्रॉब्लम्स आज ही होनी है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा ना स्टैंड ख़राब हो गया है, तो मैं ना तीन पिलो के ऊपर रख के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। अब आप सारे कलर्स इत्मीनान से देख सकते हो। दिस वन इज सैटिन ब्लैक, ब्लैक है ना, हाँ सैटिन ब्लैक है ये। ठीक है, अब मैं आपको इसका पिगमेंट्स दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आई हैव टू क्लीन माय हैंड। मैं आपको दिखाती हूँ सबसे जो लाइट कलर शेड्स हैं, मैं उसका पिगमेंट दिखाती हूँ। ओके, फिर यार मेरे हैंड पे कुछ कलर्स लग गए थे यार, बहुत चुतियापा हो रहा है मेरे साथ।